बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक बेटी को बलि चढ़ा दी। जिस तरीके से आरोप लगाया उनके परिवार वालों ने और पारस अस्पताल में, पटना के राजा बाजार इलाके पारस अस्पताल में अपनी सांसें अंतिम ली मोनी कुमारी नाम की लड़की के साथ। 1 दिसंबर 2020 को अभिषेक रंजन के साथ शादी हुई थी, वो भी राजा बाजार इलाके में शास्त्री नगर थाने के पास, जो सरस्वती बिहार कॉलोनी अंबेडकर पथ पिलर नंबर 5 के रहने वाला शास्त्री नगर इलाके का ठेकेदार बताया जा रहा। अभिषेक रंजन की शादी 1 दिसंबर 2020 के 20 मोनी कुमारी के साथ हुई थी, जिसके बाद जो मोनी कुमारी है अपने परिवार वालों को बार बार ये सूचना देती थी कि हमारे पति के जो हैं उनका किसी और लड़की के साथ संबंध है, और दहेज को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था उस महिला को, उस लड़की को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। ये जो मोनी कुमारी थी अरवल जिला के रहने वाली थी और पटना के राजा बाजार इलाके में उसकी शादी 1 दिसंबर 2020 में हुई थी। बड़ी धूमधाम से शादी उसके पिता ने किए थे, कई पैसे रकम उनके दहेज में दिए गए थे, लेकिन उससे अभिषेक रंजन जो ठेकेदार है वो नहीं खुश था, उसके परिवार वाले खुश नहीं थे और मोनी कुमारी को हमेशा प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन मोनी कुमारी ने अपने परिवार, अपने मायके वाले को बार बार ये बात कह रही थी कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है और इसका मेरे पति का किसी और लड़की के साथ संबंध है, जो अम्बेडकर बिहार कॉलोनी का रहने वाला है। लेकिन उसके परिवार वाले ने विश्वास नहीं किया और आज सुबह यानी मंगलवार की सुबह पारस अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उसके परिवार वाले का रो रो के बुरा हाल है। उसके भाई और उसके पिता वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने ये जानकारियां दी कि हमने अपने बेटी की शादी पूरे धूमधाम से की थी, जो भी मांगा था लड़का मैंने दिया था, लेकिन उसके बाद दहेज लोभियों ने हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से उसके परिवार वाले पारस अस्पताल में पहुंचे हैं और पूरी तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहा है कि मेरी बेटी पहले ही इस सूचना दे चुकी थी कि इसका किसी के साथ अवैध संबंध है, किसी लड़की के साथ। जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है, देखिए कि किस तरीके से हमारा परिवार उजर गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला के पेट में 6 महीने का बच्चा भी था। जी हाँ, जरा सुनिएगा गौर से किस तरीके से एक बेटी के पिता अपनी आप बीती बता रहे हैं, पूरी दर्द अपनी कहानी मीडिया के सामने उन्होंने रखा है। बच्ची को हमारा सब मिल के मार दिया और छत से सब वही ससुराल के लोग उसका, अभी 1 दिसंबर को शादी किए थे, 1 दिसंबर 2020 को, और उसके बाद वहाँ गई, फिर वहाँ से मैके गई, उसके बाद आई और फिर यहाँ से सगुना हमारा अथी है ससुराल है। के साथ मारपीट होता था? हाँ, पूर्वे से प्रताड़ना करता था। आखिर क्या अब सब जी आखिर क्या करूँ था जो मारपीट? हम लोग को अथी के सबके फांसी के सजा हो, सबको फांसी के सजा हो, ताकि ऐसे ऐसे गुनाहगार करने के लिए दहेज लोभियों को फांसी के सजा हो, ताकि आने वाला समय में कोई किसी व्यक्ति का साहस न हो। सर को उसके ससुराल वाले ने मार सब मिलकर मार दिया है और उसके पेट में 6 महीना का बच्चा भी था, उस दोनों को मतलब डबल मर्डर कर दिया। सब कब शादी हुई थी? शादी हुई थी 1 दिसंबर 2020 को। पटना में कहाँ रहते? पटना में वो लोग अथी जगदेव पथ रुकन पूरा सरस्वती बिहार कॉलोनी में रहता था। लड़का का अगस्त वर्ल्ड स्कूल मकेर सारण उसका डायरेक्टर है और उसका बाबू विनोद कुमार सिंह वो पुल का ठेकेदारी करता है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका कारण क्या, हत्या का कारण क्या? हत्या का कारण उसे उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। किस बात को? दहेज प्रथा के लिए। दहेज को लेकर? हाँ। और लड़का का मतलब अभी भी था, मतलब लड़का का मतलब दूसरे लड़के से बातचीत भी करते रहता था। क्या पुलिस यहाँ आई? आप लोग कहाँ पहुँचे लड़की को लेकर? लड़की को लेकर हम लोग नहीं, वो लोग लेकर आया था। कहाँ? इसी अस्पताल में। पारस अस्पताल? पुलिस अभी आई है। अब क्या होगा, आगे का क्या है? आगे का मतलब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब
उसका जितना भी परिवार है उस सबको सजा मिलनी चाहिए। हाँ जांच होना, कानून के हिसाब से जो आजीवन, कानून के हिसाब से आजीवन कारावास की, पूरे फैमिली को उसे सजा होनी चाहिए। तमाम ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहें दर्जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्जी न्यूज़।